Part 2 of our chapter, respiration and breathing. So in this, we have covered the process of inhalation and exhalation, that which counts for the gases, how they move, right? But there we studied only the concept of the partial pressure, because of which we get in oxygen into the lungs and we throw out carbon dioxide out of the lungs. Itna concept humne padha tha. जब हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है, आपने एक और कंसेप्ट पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, है ना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने क्या पढ़ा था कि लंग्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और टिश्यूज हैं, ठीक है? तीन डायग्राम आपने बनाए, कोरिलेट किए, कनेक्ट किए उनको सबको. हमने क्या किया, सिंपल जो लंग्स हैं, जब आपने ऑक्सीजन लिया, पार्शियल प्रेशर के थ्रू आया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कंसेप्ट से आया. जब पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर आती है, then because of the concentration there, partial pressure of the oxygen there in the alveoli to that in the blood vessels, जो उसके नीचे लगे, उनके अंदर partial pressure differences आते हैं, जिसकी वजह से diffusion हो जाता है, आगे बढ़ता है. हमने सिर्फ एक नाम लिया था यहाँ पे, that is the blood vessels, है ना? Blood vessels में blood के components हैं, और blood का एक component तो है नहीं, तो oxygen कौन चीज उठा के लेके जाती है, कैसे लेके जाती है, कैसे उसकी further transportation होती है, in what form does it get transported? ये हमारा अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, that is the transportation of the gases, oxygen and carbon dioxide. ठीक है? अभी तक आपने जो पढ़ा, that is with respect to the partial pressures, it is diffusing in and out. है ना? Partial pressure का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया. ठीक है? हमने पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा कैसे डिजाइंड होता है, सेकेंड हमने पढ़ा कि इनहेलेशन क्या होगा, एक्सहेलेशन क्या होगा, डायफ्रेम और वो रिब केजेस, ये सब हेल्प करते हैं. थर्ड हमने पढ़ा कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस तरह से एक्सचेंजेस कर रहा है, दैट इज अक्रॉस द पार्शियल प्रेशर. बट अब किस तरह के बाद किस फॉर्म में कर रहा है वो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है? किस फॉर्म में ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, इज इट ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन ओनली एज अ गैस ओनली, और इट गेट्स कंबाइंड विद समथिंग एल्स फॉर्मिंग अनदर कॉम्प्लेक्स. सो दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, एंड हियर इन दिस द फर्स्ट गैस इज ऑक्सीजन. Oxygen is our basic requirement, because whatsoever the components are there, like food components are there within our body, within each cell, that will be broken down in the presence of oxygen, leading to the formation of energy, that which we require for our daily routine works. है ना? तो oxygen एक हमारा major component है. जब oxygen cells में जाएगी तो dissociation से आगे carbon dioxide जो है, sorry, exchange से आगे जो carbon dioxide है वो मिल पाएगी. ठीक है? ऑक्सीजन गया, अगर अवेलेबल होगा टिश्यू को तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. जब तक ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, है ना? एग्जांपल बीइंग आर मसल सेल्स. मसल सेल्स आप लोगों ने पढ़े, मसल सेल्स में क्या होता है, हम रेस्पायर करते हैं बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत तेज तेज, है ना? द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, द रेट ऑफ हार्ट बीट, दैट इज वेरी यू कैन से फास्ट एंड अप, राइट? जब वो इतना तेज है उस समय में क्या हो रहा है, हमारी ऑक्सीजन जो है वो यहीं से, यानी कि हार्ट पंपिंग एंड ऑक्सीजन यहीं से सिर्फ निकलती जा रही है. ठीक है? ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, दैट्स इट, है ना? बट द लेग्स मसल्स जो है हमारी, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची. जब नहीं पहुंची हम कहते हैं एसिड रिलीज होता है, क्रैम्प्स हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं मिलती, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलनी है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी. ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से ऑक्सीजन टूटेगा अपनी फॉर्म में से. कैसे? अब ये सब पढ़ेंगे हम यहाँ पे. सो दिस इज ऑक्सीजन, फर्स्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस. ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन टू फॉर्म्स, दैट इज फर्दर इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया द आरबीसीज, इन लिखो थ्रू आरबीसीज नंबर वन, दैट इज थ्रू द आरबीसीज अप्रोक्सीमेट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द आरबीसीज, दैट इज in connection with the hemoglobin. Bonding with the hemoglobin that leads to the further binding of the oxygen with the hemoglobin that leads to its transportation throughout the body. Hemoglobin along with the oxygen that binds up forming a complex that is called as oxyhemoglobin. तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला आपने क्वेश्चन किया था, डायग्राम किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला, उसमें भी हमने सिंपल लिखा था डिफ्यूजन थ्रू दैट राउंडेड पार्ट, याद है उसका डायग्राम? डायग्राम याद है, वापस में बना पड़ा है, आप देख सकते हैं खोल के वापस पीछे.
अगर आपको कोई कंफ्यूजन है नोटबुक्स में है तो देख लो उसको, वापस खोलो पीछे। हाँ जी, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायग्राम निकालो, जिसमें हमने तीन पिक्चर्स बनाई थी, एल्वियोलाई, देन राउंड सर्कल ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड देन द थर्ड वन नीचे बॉडी टिश्यूज, है ना। तो यहाँ पे हमने ब्लड वेसल्स जहाँ लिखे थे वहां लिखा सिंपल डिफ्यूजन से चला जाता है। अब ब्लड वेसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन आया तो उसने किस फॉर्म में ट्रेवल किया, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। 97% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन अवेलेबल दैट गोज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन थ्रू दैट सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंच गया, इनटू द बॉडी टिश्यूज, है ना। व्हाट अबाउट द रेस्ट 3%, हाउ दैट 3% गोज, दैट इज डिसॉल्वड इन द प्लाज्मा। सो दैट इज द अदर 3% ऑफ द ऑक्सीजन गेट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा इन द बाइंडेड फॉर्म, सॉरी नॉट द बाइंडेड फॉर्म, दैट इज इट पासेस थ्रू द प्लाज्मा ओनली, ठीक है। दिस पासेस थ्रू द प्लाज्मा इन द केमिकलर फॉर्म, केमिकल्स की आयनिक फॉर्म में ये ट्रेवल करता है, इन द आयनिक फॉर्म और इन द केमिकलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला ना, इज इट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लियर हुआ। ऑक्सीजन जो इनहेल इन किया, ब्लड वेसल्स अवेलेबल थे, ब्लड लेके आए थे, उनमें प्लाज्मा भी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है और बहुत सारी प्रोटीन्स है, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ने किस किस को चूज किया, मैक्सिमम इट विल बी चूजिंग द आरबीसीज बिकॉज दे हैव द हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग द ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स। सो मैक्सिमम ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 97%, ठीक है। द रेस्ट 3% इज इन द आयनिक फॉर्म विच पासिस ऑन थ्रू द प्लाज्मा, दैट इज द फ्लूइड ऑफ द ब्लड, गेटिंग डन, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ने बाइंड करना है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट विच अलाउज द बाइंडिंग ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन रिजल्टिंग इन टू द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, सॉरी ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हाँ जी, वट कैन बी द फैक्टर्स हियर That which results in more of the binding of these two. एक factor हम पहले बहुत ज्यादा discuss कर चुके हैं, पूरे chapter में हमने वही factor discuss किया है। हाँ जी, partial pressure, very nice. That is the partial pressure of oxygen which is more. The partial pressure of oxygen should be more. And in correlation, the partial pressure of carbon dioxide should be less. है ना? If the partial pressure of carbon dioxide is less, under those conditions, the hydrogen ion concentration is also less. अब ये कैसे होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। Hydrogen ion concentration भी उस समय less चाहिए। And as well, the temperature should be less. Temperature should also be low. So all these conditions are prevailing in the alveoli. ये सारी conditions, अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में कि ऑक्सीजन ही क्यों अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं, है ना। वहां एक रीजन मैंने आपको बताया था पार्शियल प्रेशर्स का, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंसर्न में हमारी लंग का प्रेशर ऐसा है, अंदर बॉडी में भी ये सारे फैक्टर्स जो है ये भी सिर्फ अलाउ करते हैं कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और कंपैरेटिवली ये सारी चीजें कम है, है ना। इन सारे फैक्टर्स के लोअर डाउन होने की वजह से, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होने की वजह से, इन दोनों में बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। यू कैन से दैट सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज यू कैन से ट्रिगर्ड, ठीक है, वी यूज द वर्ड दिस, मतलब उसको इनिशिएट करवाया जाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन दैट इज ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ दीज फोर फैक्टर्स एंड द सेम नेचर दैट इज प्रेजेंट इन द एल्वियोला। डन। Opposite happens in the tissues. Tissues में क्या होगा? Tissues में क्योंकि oxygen enter नहीं करानी, exit करानी है, carbon dioxide enter करानी है, तो क्या होगा वहां पे? उल्टा होंगे factors, क्या होंगे बताओ? Partial pressure of oxygen will be low now, है ना? And partial pressure of carbon dioxide will be high. The hydrogen ion concentration will be more and the temperature will be High temperature, more hydrogen ion concentration, more of the partial pressure of carbon dioxide, promoting more of the addition of
कार्बन डाइऑक्साइड टू द टिश्यूज. ठीक है, क्लियर. नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन दैट कैन बी फर्दर स्टडीड थ्रू द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. क्या होता है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और किस तरह से बनता है? अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को प्लॉट करें, लेट्स से दिस इज द कर्व. अगर हम ग्राफ बनाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का विद द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, लिखो. दिस इज द ग्राफ वी आर गोइंग टू प्लॉट. द ग्राफ इज बिटवीन प्लॉटेड बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन एक्स एक्सिस एंड द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब क्या है? कि कितने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ब्लॉक हो चुके हैं, है ना. अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपने देखना है कि लेट्स से ये एल्वियोला है, ठीक है. जस्ट इमेजिन दीज आर द एल्वियोला. द ब्लड दैट इज पासिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स अलोंग इट, जो कंसेप्ट आप कर चुके हो ऑलरेडी, सारे के सारे हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन लेके जा चुके हैं, है ना. ऑलमोस्ट 97% अगर ऑक्सीजन कवर कर रही है, मीन्स उसे 97% आरबीसी तो अपने ब्लॉक कर दिए इस एरिया में, यहाँ पे, है ना. उसके बाद इन सबको फ्री भी तो करना है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड उठाएंगे ना वो. जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के साथ तब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लग सकती. तो कौन से फैक्टर्स वहां पे अलाउ करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल के बाहर आए और ऑक्सीजन अंदर यूज हो जाए टिश्यूज में पहुंच के? ठीक है, यहां तक के लिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन. अगर आप इसका प्लॉट करते हैं 97% मैंने बताया हीमोग्लोबिन जो है वो कवर्ड है, वो ब्लॉक्ड है विद ऑक्सीजन प्रेजेंस. ठीक है, अगर आप ये प्लॉट कवर करते हैं इसको, सॉरी प्लॉट करते हैं ये ग्राफ को, इनिशियली इट इज जस्ट वेरी स्लो प्रोसेस. कैसे? सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल इन हो रही है और हमारे पास कुछ कुछ आरबीसी आ रहे हैं, बॉन्ड अप होके आगे बढ़ते जा रहे. अब धीरे धीरे क्या होगा? बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जितनी आपने इनहेल इन करी वो ऑलमोस्ट आरबीसी को कवर करती जा रही है, वो भरती जा रही है, भरती जा रही है, तो ये बढ़ता ही रहेगा, दिस कीप्स ऑन राइजिंग. ठीक है, एक लेवल ऐसा आएगा जहां 97% कवर हो गया, है ना. जितनी इनहेल्ड ऑक्सीजन है हमारी उतनी वो कवर कर चुकी है. अब अगला साइकिल तब आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा. ये तो जा चुके हैं, ये सारे निकल गए आगे, आरबीसी ऑक्सीजन उठाया आगे चले गए. आगे जाके जैसे जैसे अपनी ऑक्सीजन फेंकते जाएंगे फ्री होते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उठाते जाएंगे और उठा के वापस आ जाएंगे एल्वियोला के पास, ताकि वो अगला साइकिल फिर से ले पाए. ठीक है, दिस ऑल गोज ऑन जस्ट विद द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. जितने में आप सांस लेते हैं, जितने में आप सांस देते हैं, आपका पल्स रेट और आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन रेट ये सेम नहीं होता. इमेजिन किया कभी, इनहेल इन हम कितना स्लो करते हैं, एक्सहेल आउट कितना स्लो करते हैं, लेकिन हमारा पल्स रेट दैट इज इट बीट 72 टाइम्स अ मिनट, है ना, कितना ज्यादा बीट करता है. क्यों? दैट इज द रीजन, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा काम करना है, अंदर ऑक्सीजन बहुत भारी उठाने आना है ना. अब जैसे जैसे ये शुरुआत हुई, इनिशियली इट वॉज अ स्लो प्रोसेस, स्लोली स्लोली राइज कर रहा था. उसके बाद जैसे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, यहाँ हमारे पास आरबीसी बहुत कवर हो रहे जा रहे हैं, सैचुरेशन होता जा रहा है. सैचुरेशन क्या होता है? कि इसके अंदर अब और नहीं डिजोल्व हो सकता, दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट, है ना. परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. एक लेवल आएगा जहां पे अब और ऑक्सीजन कवर नहीं हो पाएंगी, वहां जाके ये कॉन्स्टेंट वैल्यू शो कर देते. सो दिस गिव्स अ एस शेप कर्व, दिस गिव्स अ एस शेप्ड कर्व, और वी कॉल इट एज अ सिग्मोइड कर्व. इतना क्लियर हो गया? दिस गिव्स अ सिग्मोइड कर्व, दैट सिग्मोइड कर्व, दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. क्यों कर्व? ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कहां से आ गया? अब डिसोसिएशन का मतलब क्या है? इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. अब ये डिसोसिएशन यहां क्या सिग्निफाई कर रहा है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स जो बना था, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको इस तरह लिखते हैं, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ये बन रहा है यहाँ पे, लेकिन जब कांस्टेंट हो गया तो ये टूटना भी शुरू हो गया, है ना.
दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू ब्रेक डाउन. ये टूटेगा तो हीमोग्लोबिन फ्री होगी कार्बन डाइऑक्साइड को उठाने के लिए. कहने का मतलब क्या है, फॉर इट्स इंक्रीज इन द ग्राफ दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो एल्वियोलाई के पास है ना. फॉर इट्स ब्रेक डाउन डिसोसिएशन दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो एल्वियोलाई से दूर है लेकिन टिश्यूज के पास. समझ गए कंसेप्ट तो एक ही है ना, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का. यहाँ हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. आई एम नॉट बॉदर्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. टिल नाउ इन दिस ग्राफ आई एम नॉट बॉदर्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहा तो ये बढ़ती गई सेचुरेशन है ना. एक लेवल ऐसा आया जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब इनहेल खत्म हो गया, अब एक्सहेल कर रहे हो. उस समय में एक्सहेलेशन के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए थी ना पीछे से. तो उस समय तक जहां तक ये राइज कर रहा था ये ऊपर वाले फैक्टर सारे रिस्पॉन्सिबल है. ये फर्स्ट लाइन जो एल्वियोलाई की लिखी आपने. और जब भी इसका टूटना है, ऑक्सीजन को टूटना है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होना है, तो ये वाले सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. द इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली अलाउज द ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. इतना क्लियर हुआ, डन हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहां तक पहले पूछो. हाँ जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी इन योर माइंड फॉर दिस एस शेप का. हाँ जी, ब्लड का पीएच जब ये हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन होनी है उस समय के लिए इट लोअर्स डाउन इट बिकम्स एसिडिक. ठीक है, अभी आते हैं हम उस कंसेप्ट. ये जो हमारी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है यही तो पीएच है. हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का आप लिखते नहीं हो, पीएच इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है ना. तो वही तो डिसाइड करती है. यहाँ पे पीएच कम है क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम है, यहाँ पे पीएच ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, नहीं उल्टा बोल दिया, यहाँ पीएच कम हो जाएगी यहाँ पीएच ज्यादा हो जाएगी. नेगेटिव लॉगरिथम है ना, उल्टा आएगा. नेगेटिविटी जहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी. ये एसिडिक कंडीशन को रिजल्ट करे. ठीक है, हाँ जी, और कुछ? सो व्हाट आर द फोर फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन दिस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन और इट्स डिसोसिएशन? फोर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. ठीक है, लो या हाई नहीं बोलना, वो तब बोलना है जब आपसे पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के फैक्टर्स क्या है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के टूटने के फैक्टर्स क्या है, कार्बोमाइन और हीमोग्लोबिन बनने के फैक्टर्स क्या हैं, तो भी ये है. समझ आया? इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे से आगे बढ़ते हैं हम. दिस इज एक कंसेप्ट. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन्स बनाती है. हाइड्रोजन आयन्स कहाँ से आते हैं? नाउ लिसन 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 टू दिस. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज द कार्बन डाइऑक्साइड, पहले मैं आपको ये कंसेप्ट समझाती हूँ. ये हम लोगों ने करा था, अभी कंटिन्यू किया कि यहाँ से जब ही निकला तो ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर चलेगी आगे. ठीक है, अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन इज देयर इन द आरबीसीज इन द ब्लड वेसल. ठीक है, अब आपको सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे इमेजिन करना है. दैट इज इफ दिस इज द बॉडी टिश्यू. ठीक है, ये बॉडी टिश्यूज है, डन राइट. द ब्लड वेसल दैट इज रीचिंग अप टू इट, ये ब्लड वेसल है कोई जो रीच कर रहा है इसको, राइट. यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे आरबीसीज जो है वो कवर्ड है विद द ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन प्रेजेंट है इसके अंदर. मैंने ओ एक्स वाई एच भी लिखा है और साथ आरबीसी लिखा है. ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन यहाँ पे कवर्ड है. ऑक्सीहीमोग्लोबिन मैंने अभी एक फैक्टर्स लिखे थे, ये लिखे थे एल्वियोलाई के अंदर और दूसरे लिखे हैं टिश्यूज के अंदर. अब हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स पहुंच गया टिश्यूज के पास. यहाँ पे क्या है? प्रेशर ऑक्सीजन का कम है. यहाँ पे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, जब भी इसकी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है तो क्या होता है? सबसे पहले हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पानी के साथ मिल जाएंगे. देख, बॉन्ड अप विद द वॉटर कार्बन डाइऑक्साइड दैट क्रिएट्स अ रिएक्शन विद द वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. लिखो, दिस इज एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच वॉज मोर इन द टिश्यूज
दैट लेड टू इट्स डिफ्यूजन आउट, है ना, सेल में से निकला, ब्लड के अंदर आया, पर ब्लड में आते ही आरबीसी के ऊपर नहीं टिक जाएगा, है कि नहीं? आते ही थोड़ा ना आरबीसी अवेलेबल पड़ी है, सीधा ही और उस पर बैठ जाएगा, ऐसा थोड़ा ना है। तो पहले क्या है, ये प्लाज्मा में जाएगा। एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड, 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा, ओके, 20-23% इज थ्रू द आरबीसी, एंड रेस्ट जो भी मरी रहेगी 1-3% जो रह गया, दैट इज ऑल इन द आयनिक फॉर्म, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेप्ट है कि ये ज्यादा हमारी ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द प्लाज्मा, बट आरबीसीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, आरबीसीज भी हैं, 20-25% अगर वो कर रहा है आरबीसी से, वो भी तो इन्वॉल्व हो रही है, चाहिए तो है ही है, वो भी कम्प्लेक्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे यही कंसेप्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि पहले प्लाज्मा में जाएगी, ब्लड वेसल्स के प्लाज्मा में जाएगी, और प्लाज्मा इज 70% वाटर, प्लाज्मा इज वॉट 70% वाटर, 30% इज रेस्ट जो भी उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स आएंगे प्लाज्मा में, ठीक है, ऑल द प्रोटीन्स, ऑल द एंजाइम्स एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, वो सारी उसके आगे फर्दर उसके कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। जब पानी के साथ रिएक्शन दिया, इसने एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड बनाया, एंड दैट वॉज अ बाइकार्बोनेट, दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस क्रिएटेड बाइकार्बोनेट सोर्स, जिस फॉर्म में हमारी जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती, बट दिस इज वेरी अनस्टेबल, अनस्टेबल मीन्स बनते ही टूट जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, जैसे जैसे वो कंबाइन करके एसिड बना रही है, साथ ही एसिड टूट के आयंस बना रहा है, कौन से आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, दैट इज H3O नेगेटिव, साथ बनेंगे H पॉजिटिव, आ गया H पॉजिटिव। अभी हमने क्या एक कंसेप्ट किया था, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयंस बढ़ रही है, है ना, बाइकार्बोनेट आयंस आ रहे हैं नेगेटिवली चार्ज, साथ में आ रही है H पॉजिटिव आयंस, गेटिंग राइट, गेटिंग और नॉट। तो यहां तक हमारे पास दो चीजें तैयार होगी, वन इज बाइकार्बोनेट आयंस, अभी मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो गोज थ्रू द आयनिक फॉर्म, ये तो आयंस एज सच ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रहे हैं, ये ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है, जो तो आयंस बने हैं वो ऐसे निकल गए, जो प्लाज्मा के थ्रू जा रहे हैं वहां पे अपनी डिसोसिएशन देते हुए जाएंगे वो भी ऐसे निकल गए, पर अभी तीसरी फॉर्म पड़ी है इसकी, कौन सी, बॉन्डिंग विद आरबीसीज, है ना। यहाँ पे जैसे ही पार्शल कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शल प्रेशर बढ़ा, ये रिएक्शन शुरू हुई, बाइकार्बोनेट आयंस बने, साथ बने H पॉजिटिव, ये बाइकार्बोनेट आयंस तो निकल गए बाहर प्लाज्मा में, ये अपनी कंपोनेंट फॉर्म में लेकर निकल गए, वहां पे H पॉजिटिव को निकालने वाला तो कोई नहीं था, ठीक है। इवन ये जो रिएक्शन है अगर वो आरबीसीज के अंदर चल रही है, ठीक है, जब ये प्लाज्मा के अंदर आए थे, प्लाज्मा सेल के, प्लाज्मा के अंदर आए थे, तो वहां पे आरबीसी सेल्स के पास इन्होंने रिएक्शन किया, तब भी वहां से बाइकार्बोनेट आयंस बाहर निकल जाएंगे, बट इन एक्सचेंज विद द क्लोराइड आयंस, उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, मतलब क्या है क्लोराइड शिफ्ट, क्या ये देखो क्लोराइड शिफ्ट क्या है, ये आपका आरबीसी है, ये बाहर प्लाज्मा, ठीक है, रिएक्शन अंदर चला, आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस बने, प्लस बने साथ में एच पॉजिटिव आयंस आरबीसी सेल के अंदर, बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं ये निकलेंगे बट इन एक्सचेंज विद द क्लोराइड आयंस, बाहर बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा क्योंकि उसको फ्री फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट में भी ट्रांसपोर्ट होना है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन करना है इन द फॉर्म ऑफ अ बाइकार्बोनेट आयन, है ना। तो ये तो निकल गया फ्री फॉर्म में निकलने के लिए, ये तो चला गया बाहर, लेकिन जितने आयंस बाइकार्बोनेट के आरबीसी को छोड़ के बाहर आएंगे उतने ही क्लोरीन को, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अंदर भेजने पड़ेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, बैलेंस बनाने के लिए, नेट बैलेंस करने के लिए, समझे। हाँ जी, वो तो बाहर है ना, उसके प्लाज्मा में, प्लाज्मा में तो बहुत कुछ है, ठीक है, तो वहां से क्लोराइड आयंस लेगा ये, ठीक है, सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, एंजाइम्स हैं, बहुत सारी चीजें, वही बैलेंस करता है क्लोराइड, इसीलिए मे बी क्योंकि क्लोराइड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एन आयन विच इज मोस्टली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। इसका मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें ये सारे इसके यूजेस भी दिए हुए, हर तरह के आयन के दिए हुए,
बट वो आपका डिलीट हो गया इस चैप्टर इस सिलेबस में से. सो दिस क्लोराइड आयन मेक्स अ बैलेंस बाय शिफ्टिंग आउट बाइकार्बोनेट एंड गोइंग इन. वो तो बैलेंस चल रहा है नेगेटिव नेगेटिव का, पर अंदर तो हाइड्रोजन आयन बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी. जब इतनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, पीएच उसका लोअर डाउन करता जाएगा. ठीक है, सो पीएच व्हेन देयर इज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ दिस डिक्रीजेस. दिस पीएच डिक्रीज इन द पीएच दैट फर्दर अलाउज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन. यहां से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन का फैक्टर प्रोमिनेंट हो गया. दिस डज नॉट सपोर्ट द फर्दर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, क्योंकि पीएच कम पड़ गया. इसकी रिक्वायरमेंट थी पीएच अपना ज्यादा होने की, पर कम हो गया क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स बढ़ रहे हैं. जब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ गया, इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन को फटाफट से तोड़ देना हीमोग्लोबिन से. जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये अभी जुड़े हुए थे ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये सारी रिएक्शन तो यहाँ चल रही है. कोई चूजफुल रिएक्शन नहीं है कि ये होगी या नहीं होगी, ये सब रिएक्शन होंगी. ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ऑलरेडी रिलीज आउट हो चुकी थी, स्टार्ट करता है ये वाला प्रोसेस, और आगे बाकी फैक्टर्स भी बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग सिर्फ इसने दी है, पार्शियल प्रेशर ने, क्योंकि वो बढ़ गया था इस वजह से इसको डिफ्यूज आउट करना पड़ेगा. प्लाज्मा में गया, आरबीसीज में गया, वहां पे जाके ये चेंजेस कर दी. प्लाज्मा में गया, वहां पे जाके चेंजेस कर दिए. आरबीसीज में गया, वहां पे क्लोराइड शिफ्ट जैसा चेंज किया. एंड फर्दर ऑन एंड ऑल टुगेदर हाइड्रोजन आयंस की रिएक्शन की सॉरी कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होना शुरू हो जाए. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज बोहर्स इफेक्ट. अभी तक आपने बॉन्डिंग बढ़ा सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेटिंग द हीमोग्लोबिन. ठीक है, बट वॉट हेल्प्स इन द डिसोसिएशन ऑफ दैट ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. अब ये वापस रिवर्सल रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे आपने लिखा ना HbO2, अब ये टूट के वापस Hb और O2 कैसे बनाएगा, कैसे रिलीज करेगा, कैसे इस हीमोग्लोबिन को फ्री करेगा, कैसे ये वाला हीमोग्लोबिन आगे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, है ना. तो उसके लिए हमारे पास क्या हुआ, यही फैक्टर्स, ये जो मैंने पहले दो लाइनें लिखी थी, इन्हीं फैक्टर्स ने रोल प्ले किए. पहले एल्वियोलाई के पास थे तो राइज अप हो रहा था, जब ये टिश्यूज के पास पहुंच जाएंगे तो वहां पे रिवर्सल हो जाएगा. एंड ऑल्सो दिस ग्राफ नॉर्मलाइज नहीं रहता, ये इस तरह से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता. ठीक है, फिलहाल आप बनाते नहीं हो क्योंकि वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का पार्ट नहीं. जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंसेप्ट आता है तो ये ग्राफ ऐसे डिक्लाइन करने शुरू कर दे. ठीक है, बिकॉज हेयर द फैक्टर्स वर ऑल फेवरिंग द ऑक्सीजन बॉन्डिंग विद द हीमोग्लोबिन. नाउ दे आर नॉट फेवरिंग द ऑक्सीजन बॉन्डिंग विद द हीमोग्लोबिन, दे आर डिसोसिएटिंग. तो डिसोसिएशन में कर्व डाउन हो जाए, समझ आया. उस कर्व को आप बोलेंगे पैराबोला टाइप. ठीक है, जब हम दोनों कंसेप्ट लेते हैं तो पैराबोला आता है. ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये वाला कर्व है आपको सिर्फ, जो कि सिग्मोइड कर्व है. एंड दैट सिग्मोइड कर्व इज ओनली विद पार्शियल प्रेशर्स एंड द सैचुरेशन विद ऑक्सीजन, नॉट विद कार्बन डाइऑक्साइड. अगर दोनों का लेते हैं तो ग्राफ ऐसे नीचे आ जाए. क्लियर हुआ? सो व्हाट इज दिस बोहर्स इफेक्ट, ये क्लोराइड शिफ्ट क्लियर होगी, यहां तक क्लोराइड शिफ्ट है. ठीक है बेटा, ये चीजें सारी एनसीईआरटी में समझाई हैं, लेकिन वहां पे टर्म्स नहीं यूज की हैं ये सारी. ठीक है, वहां नहीं लिखा क्लोराइड शिफ्ट, वहां नहीं लिखा बोहर्स इफेक्ट, पर समझाए हुए हैं. पर आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक्सप्लेन बोहर्स इफेक्ट, एक्सप्लेन क्लोराइड शिफ्ट, इस तरह. ठीक है, दिस इज बोहर्स इफेक्ट. द बोहर्स इफेक्ट सेज दैट व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लीडिंग टू द वेरी अनस्टेबल कंपाउंड कार्बोनिक एसिड दैट ब्रेक्स इनटू द आयनिक फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन. अगर आप एक्सचेंज में चले गए तो वो है क्लोराइड शिफ्ट. एक्सचेंज की बात मत करो, सिंपल बोलो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ता है, जब ये बढ़ा पीएच कम हुआ, दैट रिजल्टेड इनटू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन. डन? ठीक है, द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन और फ्रीइंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू बाइंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट. ठीक है, रिवर्सल इज कॉल्ड एज हेल्डेंस इफेक्ट. रिवर्सल मतलब जब हमने स्टार्ट किया था इसको, जिसमें ये सारे फैक्टर्स प्रिवेल नहीं कर रहे थे, तब क्या हो रहा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम है,
जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है, ठीक है। सो फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड एज हैल्डेन्स इफेक्ट। जो स्टार्ट किया था हमने वो हैल्डेन इफेक्ट था, लेकिन अब जो एंड किया है वो बोहर्स इफेक्ट। क्लियर हुआ? हैल्डेन इफेक्ट प्रमोट्स द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दैट इज हैल्डेन इफेक्ट प्रमोट्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। बोहर्स इफेक्ट प्रमोट्स द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ आया? ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना अपनी रेफरेंस बुक्स में से या अपनी एनसीईआरटी से, देन यू विल गेट थ्रू। एंड टुमारो वी विल अगेन डिस्कस इफ यू हैव एनी डाउट्स, राइट? एंड पॉजिटिवली टुमारो वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर, एंड डे आफ्टर टुमारो, दैट इज वेडनेसडे, एज ऑलरेडी अनाउंस्ड, यू विल बी हैविंग योर रिटन टेस्ट इन द क्लास। ठीक है, हाँ जी प्रभदीप।